फाइनली आज के इस फैक्शन में हक करके रोने लगते हैं डोरीमोन यानी कि पॉल हेमन सीएम पंक को। और पॉल हेमन इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि वो बोल रहे थे मुझे इस ब्लड लाइन से बाहर निकालो सीएम पंक। तो गाइस एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन में चलिए देखते हैं इन डिटेल। और आज के स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में सीएम पंक का एक सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइस आप लोग जानते ही होंगे शिकागो सीएम पंक के शहर के नाम से जाना जाता है। तो वही स्टार्टिंग में सीएम पंक बोलते हैं कि मेरा इस शहर से बहुत ज्यादा लगाव है। और फिर वो आगे बोलते हैं कि मैं 2011 में ये वादा किया था कि मैं अपने होम टाउन में चैंपियनशिप जीतूंगा और जैसा मैंने वादा किया ठीक मैंने वैसा करके दिखाया। और फिर आगे सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर के बारे में भी बोलते हैं कि जिस टाइम मुझे काफी ज्यादा इंजरी आई थी उसी टाइम उन्होंने मुझ पे हमला किया था। और सीएम पंक ये भी बोलते हैं कि मैं उन्हें जान से नहीं मारना चाहता बट मैं इतना चाहता हूं कि उनका करियर बर्बाद हो जाए। सीएम पंक ड्रू मैकइंटायर के बारे में बोल ही रहे होते उसी टाइम हमारे डोरीमोन का एंट्रेंस देखने को मिलता है। और आते ही पॉल हेमन बोलते हैं कि मैं यहाँ आपका इंसल्ट करने नहीं आया हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है कि कोई आप पे अटैक करने वाला है। और आगे भी पॉल हेमन बहुत सारी बातें बोलते हैं। फिर वो सीएम पंक को बोलते हैं कि क्या मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। तभी सीएम पंक बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन है जो मेरे प्रोमो को हाईजैक कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो तो आप कुछ भी सोचो मत और अंदर आ जाओ। उसके बाद रिंग में जाने के बाद पॉल हेमन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सीएम पंक को वो गले लग के रोने लगते हैं। यार लिटरली करंट टाइम में हमारे डोरीमोन काफी ज्यादा टेंस है। तभी पॉल हेमन सीएम पंक को बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना शोलो शिकवा तुमको मारने वाला है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि स्टार्टिंग से ये पता था कि शिकागो सीएम पंक का शहर है तो यही बात शोलो शिकवा को अच्छा नहीं लगा और वो बोलते हैं कि जहाँ मैं जाऊंगा वही मेरा शहर होगा। तो पॉल हेमन सिर्फ और सिर्फ सीएम पंक को वहाँ बचाने आते हैं बट सीएम पंक बोलते हैं कि आप सीरियस हो, शोलो शिकवा और टामाटोंगा ब्रदर्स मेरा क्या ही उखाड़ लेगा, मैं इस शहर का राजा हूँ और मेरा कुछ नहीं कर पाएगा शोलो शिकवा और उनके टीम मेंबर। तो गाइस तभी शोलो शिकवा पूरे ब्लड लाइन के साथ वहाँ पे आ जाते हैं और शोलो शिकवा आते ही बोलते हैं कि आप मेरे शहर में आए हो और हमें एक्नॉलेज करो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग पूरा तोड़ के रख देंगे आपको। तभी सब कुछ सुनते सुनते सीएम पंक पॉल हेमन से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो पॉल हेमन। तभी पॉल हेमन क्लियर क्लियर वन वर्ड में बोल चुके हैं कि मुझे अपने साथ ले चलिए आप सीएम पंक। और गाइस सीरियसली उस टाइम पॉल हेमन का फेस देखने लायक था, वो काफी ज्यादा इमोशनल लग रहे थे। तो इसके बाद ही शोलो शिकवा पूरे ब्लड लाइन के साथ रिंग में आ जाते हैं और वो अटैक करना चाहते हैं सीएम पंक के ऊपर। शोलो शिकवा अटैक करने ही वाले होते हैं तभी एक ट्विस्ट देखने को मिलता है कि वहाँ पे कॉर्डिनोट्स आ जाते हैं। कॉर्डिनोट्स वहाँ पे बेसबॉल बैट लेके आ जाते हैं दो दो, वो तो एक बैट कॉर्डिनोट्स अपने पास रखते हैं और दूसरा सीएम पंक को दे देते हैं। और जैसे ही ऐसा देखा पूरा ब्लड लाइन पीछे भागने लगा, जैसा कि आप जानते हो वो लोग कितने ज्यादा डरपोक है, बस बोलना ही आता है इस ब्लड लाइन को और कुछ करना भी नहीं आता है। आगे शोलो शिकवा बोलते है कि मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ। तभी कॉर्डिनोट्स इसका रिप्लाई देके बोलते है कि पहले ही मैंने एक हेड ऑफ द टेबल को हरा चुका हूँ, तुम मत भिड़ो मेरे। तो गाइस इन सब इंसिडेंट के बाद ही शोलो शिकवा वर्सेस कॉर्डिनोट्स का एक मैच अनाउंसमेंट हो गया था और लास्ट में होने वाला आज के स्मैकडाउन। तो देखते हैं क्या होता है और कौन जीतता है। वैसे कॉर्डिनोट्स ही जीतने वाले बट मजा आ जाएगा देखकर।